अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इतने दिनों की मसरूफ़ी की वजह से मैं कोई व्लॉग ही नहीं बना सकी, तो आज मैंने सोचा चलें जी कोई व्लॉग बनाते हैं। आरिस की तबीयत भी ख़राब है, इसको नज़ला हो गया है, जज्जी हो गई है मेरे बेटे को, खांसी नज़ला हुआ हुआ है, तबीयत ख़राब है। चलें जी आरिश, आप क्या आप ऑर्डर देंगे हमें? आरिश ऑर्डर दें हमें, क्या चाहिए आपको? चाहिए। मुझे चाहिए, आपको चाहिए ना, आपके पास वो है ऑर्डर, क्या इसको कहते हैं, पम्फलेट जो बारिश आपको मिला है, इसी ऑर्डर आप हमें दें। क्या ऑर्डर है? मुझे चाहिए बर्गर एंड ड्रिंक एंड चिकन, चिकन पीसेस। आपको क्या चाहिए? आपको मुझे चाहिए आपको? मुझे फूड बर्गर चाहिए। किसको? मुझे किसको? अच्छा आप यूट्यूब से पूछ रहे हैं, फैमिली से? मैं समझी मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा जी आरिश आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? चलें वो बताएंगे ना हमें कि उनको क्या चाहिए, लेकिन आप मुझे तो दे देना जो मैंने बताया, चिकन पीसेस एंड बर्गर। अच्छा ओवन में इसको गर्म करेंगे, इसको आपने बाबा कितने बड़े शूज पहन लेते हैं आप जो होता है गुगू मेरा बाल हो गया। ये लो गाइस, फिर दे दें आप, फिर दे दें ये लो गाइस। अच्छा थैंक यू, मम्मा को दे रहे हैं आप, थैंक यू सो मच, यम 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 यम, थैंक यू सो यम्मी, सोडा ड्रिंक एंड वाओ सो यम्मी। जल्दी दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ, अभी नमाज का टाइम हो रहा है, सर की नमाज़ पढ़ेंगे। और यहाँ पे लोबिया बनाऊंगी मैं आज, रेड लोबिया, समझ नहीं आ रही थी क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए, तो फिर मैंने सोचा कि दाल लोबिया वगैरह बना लेते हैं जी। रेसिपीज तो खैर मैं कभी कभी बीच में ऐसे बना शेयर करती हूँ, बीच में रेसिपी तो है नहीं, मतलब कभी कभी दिखा देती हूँ क्या। अच्छा जी आरिस की दादू भी नमाज़ पढ़ रही, आरिस कह रहा है मेरी दादू कभी बताएँ, तो रेड लोबिया सबको पसंद है, आरिस को भी, मुझे भी, बाकी सब भी शौक से खाते हैं, तो हमने सोचा आज इतने काफ़ी दिनों के बाद रेड लोबिया बनाएंगे, इसको मैंने भगोया हुआ है, तो जी हम बना देंगे रेड लोबिया। अभी मैं दूध बॉयल करके जाऊंगी नमाज़ पढ़ने, और फिर मैं आपके साथ एक चीज़ भी शेयर करूंगी, तो मेरे साथ साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, गैस चेक करें, माशाल्लाह इतनी फुल आ रही है, चूल्हा थोड़ा सा मैंने कम खोला हुआ, इतनी तेज आ रही है, कभी तो बंद हुई होती है, इतनी आहिस्ता होती है, कभी तो सही अच्छा प्रेशर होता है, आजकल मेरे ख्याल में टाइमिंग से आ रही है। आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ गैस का क्या हालात है। अच्छा एक और चीज़, ये फीफोल के कैप्सूल्स हैं, ये ना फीफोल वाइटामिन, इसमें आयरन विटामिन विद फोलिक एसिड, तो ये बहुत अच्छी हैं, अगर मतलब आपको बहुत थकावट रहती है, थके थके रहते हैं, काम करने नहीं होता या जो भी इस तरह की कोई है, तो ये मुझे डॉक्टर ने दी थी, मेरे साथ इसी तरह में, हालांकि नॉर्मली इकट्ठा इतना काम कर लेती हूँ, तो पिछले मतलब काम टाइम में ना ये गर्मियाँ जो गुजरी हैं इसमें मुझसे काम होता ही नहीं था इकट्ठा, तो थोड़ा सा काम करके ज़रा सा बस सुबह भी उठूँ, उसमें सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस अजीब सी, और ये इससे लेने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी, और नींद भी सही अच्छी आती है इससे, तो अगर कोई लेना चाहता है कोई इस तरह के हैं तो डॉक्टर से पूछ के भी ले सकते हैं, मेरे ख्याल में इसका कोई नुकसान नहीं होता, ले सकते हैं, वाइटामिन हैं ये। मेरे बुड्ढे को खांसी आ रही है, माल हो गया है, जब ये चेंज कराया अब तबीयत ख़राब में आ रही है, पूरा ड्रेस भी चेंज नहीं कराया, रोने लग पड़ा, फिर मैंने कहा अच्छा चलो जी नमाज पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे ठीक है, मैं दूध दस बॉयल हो गया, थोड़ा सा डरता है, थोड़ा सा एक और बॉयल आ जाए फिर पत्ते नमाज को दिखाऊं। ये ले, हेलो गाइस, शेहाए जी, जो मैं आपको कह रही थी कि मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगी वो थी कलर मी के परफ्यूम्स, तो कलर मी के परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंस बहुत ज़बरदस्त है और इतना ही लॉन्ग लास्टिंग है, मैं इनको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, शादी से भी मतलब काफ़ी टाइम पहले की ये बात है, तो बस मेरा तो इससे जे डॉट के भी काफ़ी यूज़ किए और भी कई इस तरह यूज़ किए हैं मैंने, लेकिन मुझे बस इस पर दोबारा स्विच कर लिया मैंने, तो इसका वाइट भी बहुत अच्छा है, मुझे तो मैरून भी इसका बहुत पसंद है और पर्पल भी बहुत अच्छा है, तीनों की फ्रेगरेंस मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे जो भी अवेलेबल हो मैं ले लेती हूँ, तो कभी पर्पल और रेड दोनों ले लेती हूँ, इस तरह कर लेती हूँ, इस तरह की ये पैकिंग में आता है बॉटल में, कितने एमएल की बॉटल है। अच्छा ओके आरेंज पकड़ेगा, तो ये है जी पर्पल कलर, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है अगर कोई यूज़ करना चाहता है, और है भी इतनी गाइस, अच्छा गाइस देखें खुशबू,
वाओ शो लवली। या नहीं, इसको ऊपर लिड लगा के दिखानी होती है ना, ऐसे नहीं दिखानी होती, लिड लगाए ऐसे ऐसे। गाइस देखें कितनी प्यारी इसकी पैकिंग है। तो 50 ml की ये बॉटल है। जब मैंने इसको लेती थी तो आई थिंक ये 6500 में मिलता था, और अब आई थिंक 1100 में ये मिल रहा है, मुझे सही कंफर्म नहीं है तो। लेकिन इसकी प्राइस भी उस तरह रीज़नेबल है, इसको देखा जाएगा लॉन्ग लास्टिंग जैसे है तो, और फ्रेगनेंस के लिहाज से भी तो अच्छा है ये। मेरी तरफ से रिकमेंडेड, अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो उसको यूज़ कर ले। पर्पल भी, रेड भी, वाइट भी, तीनों अच्छे हैं। हमारे की अजान का टाइम हो रहा है तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। आरिश नमाज़ पढ़ेंगे, आरिश की तबीयत भी ख़राब हो रही है बार बार। वो शाम ने आरिश का मनी बॉक्स पढ़ा, इसमें आरिश मनी डालता है बाबा से लेके। मेरे बेटे की तबीयत भी ख़राब हुई हुई है तो चलें आरिश अब इसके अंदर डालें। शाबाश, गुड बॉय, गुड जॉब। आरिश ने कितना प्यारा ट्राउज़र पहना है। छुपो, इतना अच्छा ट्राउज़र पहना है आपने तो, वाह इतना प्यारा लग रहा है। इट्स ओके, चलें आप शो हो जाएं शिकार। मेरा बेटा शो हो गया। ओके गाइस, उम्मीद है आपको आज का रिव्यू और आज की जो है ये पसंद आई होगी वीडियो। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। हेलो मानो।